सो हे गाइस, गैदर रियलमी 7 प्रो के यूजर का ये हाल रहा होगा आफ्टर 2.0 अपग्रेड के बाद कि भैया जी AOD कस्टमाइजेशन फीचर की दर है, जबकि हमारी डिवाइस में ऑलरेडी एमोलेड पैनल अवेलेबल है और जितने भी डिवाइस है, जितने भी ब्रांड की डिवाइस होते हैं जिनमें एमोलेड पैनल अवेलेबल होते हैं, उन सभी डिवाइसेज में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो कस्टमाइजेशन के फीचर है वो अवेलेबल होते हैं। बट रियलमी 7 प्रो के साथ ऐसा क्यों किया? हालांकि रियलमी 7 प्रो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अवेलेबल है, बट वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, जहां पे हमें ऑलरेडी टाइमिंग और नोटिफिकेशन के जो आइकन्स है वही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें AOD कस्टमाइजेशन के जो फीचर्स है वो नहीं दिए गए। जबकि रियलमी की तरफ से कुछ बहुत ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि एमोलेड पैनल के साथ आए हैं और रियलमी 7 प्रो से डाउनग्रेडेड डिवाइसेज है, लेकिन उन सभी डिवाइसेज में हमें ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कस्टमाइजेशन के फीचर है वो देखने को मिले, बट रियलमी 7 प्रो के साथ ऐसा क्यों किया गया? इसी तरीके से मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं हर एक वीडियो के नीचे कि भैया जी रियलमी 7 प्रो एमोलेड पैनल के साथ आई है, लेकिन उनमें हमें एक नॉर्मल सी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फीचर देखने को मिली है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के फीचर क्यों नहीं देखने को मिले, क्या रीज़न था और इन फ्यूचर ये फीचर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल के थ्रू से, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे को देखने को मिली है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Realme ने हमें कुछ दिन पहले एक Q&A के थ्रू इन्फॉर्म किया था कि Realme 7 Pro में AOD कस्टमाइजेशन के फीचर क्यों नहीं दिए गए, क्या रीज़न था, और वहाँ पे हमें दो रीज़न बताया गया था। पहला रीज़न कि जो AMOLED पैनल हमें दिए गए Realme 7 के ऊपर, वहाँ पे जो लॉक स्क्रीन इंटरफेस है उसमें जो बेजल्स होते हैं उनमें सिर्फ दो ही कलर हमें दिए गए, एक है ब्लैक, दूसरा है वाइट। बस यही दो कलर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर में दिए गए, इसके अलावा ना ही रेड, ना ही ग्रीन, ना ही येलो, ये सभी फीचर को सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल नहीं किया गया। तभी हमें Realme 7 Pro के ऊपर एक नॉर्मल सी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर दिए गए, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। पहला जो टाइमिंग इंटरफेस होता है वो व्हाइट कलर में, एंड जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उनमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट की जो मिक्सअप है वो देखने को मिलती है। तो ये एक यहाँ पे पहला रीजन था जिसके कारण हमें AOD कस्टमाइजेशन के जो फीचर्स है वो Realme 7 Pro में देखने को नहीं मिले, क्योंकि कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स में काफ़ी सारे कलर अवेलेबल होते हैं और Realme 7 Pro के AMOLED पैनल के लॉक स्क्रीन बेजल्स में ये सभी कलर जो है वो सपोर्टेड नहीं है। सपोर्टेड क्या नहीं, इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल नहीं किया गया, इसे इनेबल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन अगर Realme चाहे तो, और Realme ने अपने Q&A एपिसोड में ऐसा कहा भी है कि हम इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी की तरफ से हमें काफ़ी सारे फीडबैक दिए जाएंगे तो, दो चार फीडबैक से कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमम 2,000 से 2,500 Realme को फीडबैक जाने चाहिए, तो ये जो फीचर ये Realme की तरफ से इनेबल कर दिए जाएंगे। और अब मैं आपको इस Q&A की एक शॉर्ट क्लिप वीडियो दिखाता हूँ कि Realme ने ऐसा कहा भी था या नहीं, और सेकेंड रीज़न भी आपको इस Q&A के अंदर ही पता चल जाएंगे। वैसे सेकेंड रीज़न था इन टर्म्स ऑफ बैटरी सेवर, बैटरी बचाने के लिए AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर है ये Realme 7 Pro के अंदर नहीं दिया गया। वैसे ये मेरे को कुछ खास रीज़न नहीं लगा, अगर ये फीचर ऑलरेडी हमें मिल जाता तो भी हम अपने बैटरी को अच्छे से बचा सकते थे, बट ये मेरे को कुछ खास रीज़न नहीं लगा। वैसे आप लोग इस Q&A को देख सकते हो। So Realme 7 Pro comes with an AMOLED display, but the features like always on display and edge lighting are still missing from the device. Why so? For Realme 7 Pro, we have substituted the existing always on display and edge lighting effect with a black and white option for always on display. The new changes are done to give a better user experience, especially in terms of power saving. If you still wish to have it, do let us know. Noted. That's great. Next question. जैसा कि आपने देखा कि माधव सर जी ने हमें दो रीजन बताए Realme 7 Pro के अंदर AOD कस्टमाइजेशन फीचर ना देने के, पहला कि AMOLED पैनल के लॉक स्क्रीन के अंदर ओनली हमें दो ही कलर का सपोर्ट मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दूसरा रीजन था इन टर्म्स ऑफ बैटरी सेविंग। ये दो रीजन की वजह से हमें Realme 7 Pro के अंदर AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर है वो नहीं मिला है, और एंड में उन्होंने ये भी बोला कि अगर इसके बावजूद भी आपको ये फीचर चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। अब बताना कैसे है, तो जाहिर सी बात है भैया फीडबैक के थ्रू, तो जितने ज़्यादा हो सके अगर हम सब Realme को फीडबैक भेजते हैं तो ये जो AOD कस्टमाइजेशन का फीचर है वो हमारे Realme 7 Pro के अंदर जल्द से जल्द किसी OTA अपडेट के थ्रू मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी को Realme को फीडबैक भेजना है। वैसे मैंने Realme को एक ट्वीट कर दिया AOD कस्टमाइजेशन के रिलेटेड, सिंपली उस ट्वीट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सिंपली आप सभी को जाकर उस ट्वीट का आपको रीट्वीट करना है, जितने ज़्यादा रीट्वीट होंगे उतना फोकस Realme को उस ट्वीट पे होगा, और जल्द से जल्द हमें AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर है
वो हमें किसी OTA अपडेट के थ्रू मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको Realme कम्युनिटी के अंदर भी जाकर आपको फीडबैक भेजना है AOD कस्टमाइजेशन से रिलेटेड Realme 7 Pro डिवाइस के लिए। तो जाओ जल्दी फटाफट से आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फीडबैक भेजो ट्विटर के अंदर या फिर Realme कम्युनिटी के अंदर, उतनी ही जल्दी हमें Realme Y 2.0 के अंदर AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर है वो हमें Realme 7 Pro की डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।